से संन्यास लेंगी वसुंधरा राजे। सच में लेंगी संन्यास या फिर खेला जा रहा कोई इमोशनल कार्ड? राजस्थान में बदल जाएगा खेल या मचेगा घमासान? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। राजस्थान के चुनावी संग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक बयान ने हलचल पैदा कर दी। झालावाड़ में एक रैली में उन्होंने कहा, मेरे बेटे की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी ने उसे इतनी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया कि मुझे उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। सभी विधायक यहाँ है और मुझे लगता है कि उन पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे अपने दम पर लोगों के लिए काम करें। अब इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजे अब संन्यास लेने जा रही है या अपनी सीएम उम्मीदवारों को मजबूत करने के लिए इमोशनल कार्ड खेला। राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो इस राजे का एक मजबूत सियासी पैंतरा बता रहे हैं, क्योंकि तीसरी लिस्ट में उनके कई करीबियों को टिकट मिल चुके हैं, जबकि यह भाषण बीजेपी की लिस्ट जारी होने के अगले ही दिन आ गया। ऐसे में साफ तौर पर वे भाषण के जरिए समर्थकों को खास मैसेज दे रही। अब तक घोषित 142 टिकट को लेकर प्रयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें 50 से ज्यादा सीटों पर पूर्व सीएम के करीबियों को मौका मिला है, यानी वसुंधरा राजे की बात को हाई कमान ने तवज्जो दी। यही नहीं, कैलाब मेघवाल समेत कई ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी निर्दलीय चुनाव जीतने का दमखम रखते हैं। पर ऐसे में राजे गुट के विधायकों की संख्या पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ निर्णायक हो सकती है। ऐसे में उनके रिटायरमेंट वाले बयान को उनके संन्यास लेने के ऐलान से नहीं देखा जा सकता है। ये साफ तौर पर अपनी शक्ति प्रदर्शन की एक नई कोशिश। वही वसुंधरा राजे आज शनिवार को झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यहाँ 25 नवम्बर को चुनाव होगा, तो वहीं उनके बेटे दुष्यंत लोकसभा में झालवाड़ा 12 का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। वसुंधरा राजे ने रैली में कहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ, आप सभी ने उसे अच्छे से प्रशिक्षित किया, मुझे उसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। सभी विधायक यहाँ मौजूद हैं और मुझे लगता है कि उन पर नजर रखने की अब जरूरत है। वे इस पोजीशन में आ गए हैं कि वे अपने दम पर लोगों के लिए काम करेंगे। वसुंधरा राजे ने कहा कि ये मेरा 10वां नामांकन, पहला नामांकन 1979 में सांसदी के लिए भरा, लगातार 5 बार सांसद और 4 बार विधायक चुने। उन्होंने सड़कों, परियोजनाओं, हवाई और रेल कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए कहा कि आज लोग पूछते हैं कि झालावाड़ कहाँ है, लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं। रैली में राजे ने पेपर लीक की घटनाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर राज्य में कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राजस्थान तभी फिर से नंबर एक राज्य बनेगा जब लोग भाजपा को आगे ले जाने के लिए काम करें। वसुंधरा राजे के बयान का मतलब समझे उससे पहले एक पुरानी घटना का जिक्र करना जरूरी है। बात ज्यादा पुरानी नहीं, अक्टूबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी जोधपुर के दौरे पर, और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच दूरियां नजर आई। जयपुर चित्तौड़गढ़ के बाद यह तीसरा वाक्य था जब पीएम ने राजे को कोई तवज्जो नहीं, और इससे सियासी हलके में संदेश गया कि भाजपा राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन करते हुए चुनाव लड़ना चाहती है। यही वजह है कि राजस्थान में सीएम फेस कौन है यह तय नहीं किया गया। साफ संदेश दिया गया है कि राजस्थान में बीजेपी का चेहरा केवल कमल का फूल। वसुंधरा राजे का नामांकन से पहले अपने रिटायरमेंट को लेकर संकेत देना काफी गंभीर माना जा रहा है, और इस वक्त चर्चा है कि वसुंधरा राजे झालावाड़ 12 से सांसद बेटे दुष्यंत सिंह को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने भरी सभा में बेटे की तारीफ, उन नेताओं की तारीफ की जो सांसद बेटे या उनके समर्थक, और माना तो यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने झालावाड़ की जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेला है। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत 4 बार के सांसद, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या सच में वसुंधरा राजे एक इमोशनल कार्ड खेल रही? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।